फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा जनरल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। 182 तक शेयर आ चुका है, बहुत ही नीचे मिल रहा था। मैं वो टाइम में आपको वीडियो बनाकर दिया था, कंपनी अभी डिविडेंड देने वाला है, कितना डिविडेंड मिलेगा, क्या इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, फंडामेंटल कैसा है, फुल डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे एनालिसिस वीडियो आपको पर डे देखने के लिए मिल जाएगा। 5 डे की चार्ट पैटर्न में अच्छा रिटर्न, 1 मंथ की चार्ट पैटर्न में डाउनफॉल, 6 महीने की चार्ट पैटर्न में डाउनफॉल। आप अगर 5 ईयर की चार्ट पैटर्न देखोगे तो कंपनी कोविड के टाइम में मिल रहा था 99 रुपीज़ में, उसके बाद 200 तक तो गया, उसके बाद देखिए 115 तक तो आ गया, 115 से हाई लगाया 180, फिर से गिरावट हुआ 142, लेकिन अभी फिर से 182 तक आ चुका है। हमारा जो टारगेट है 250 का टारगेट है, ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है 250 तक आराम से जा पाएगा कंपनी। ओवरऑल 52% की डाउनफॉल है, मैक्सिमम देखोगे तो 56% की डाउनफॉल दिया है कंपनी। 417 रुपये करके कंपनी 2017 में लिस्टिंग हुआ था, आज देखिए कहाँ पर है। अगर फुल डिटेल्स में कंपनी को देखोगे तो कंपनी यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखोगे ईयर वाइज डाटा, तो रेवेन्यू में थोड़ा सा डाउन है, नेटवर्थ में हम लोग को ग्रोथ नज़र आ रहा है, प्रॉफिट में हम लोग को ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रहा था। 250 तक आराम से कंपनी जा पाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको इवेंट दिखाऊंगा तो डिविडेंड कंपनी देने वाला है 8 सितंबर, 8 सितंबर तक डिविडेंड आपको मिलेगा, अगर एक्स डेट है, ठीक है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट में हो जाएगा शेयर, अगर आप बाय करके रख लेते हो 8 सितंबर के अंदर अंदर, तो आपको 7 रुपये करके ज़बरदस्त कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करेगा। और एक ध्यान देना, कंपनी गिरावट भी दिखा सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म की नज़रिया में आपको अच्छा डिविडेंड मिल जाएगा। अगर आप लोग कंपनी का होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग चेक करेंगे तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं रेवेन्यू। अभी हम लोग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर 85, डोमेस्टिक वाले 11%, रिटेल इन्वेस्टर 2.53, फॉरेन इन्वेस्टर 0.63, म्यूचुअल फंड यहाँ पर 0.12 रखें, जो कि अच्छा बात है। अगर फुल डिटेल्स में कंपनी को हम लोग देखते हैं, BSE NSE दोनों में लिस्टिंग है, 32,000 करोड़ का अच्छा मार्केट कैप है, PET के बुक वैल्यू से नीचे शेयर मिल रहा है, हाई लो देख सकते हो, डिविडेंड अच्छा देता है, ROCE पॉजिटिव, फेस वैल्यू 5 का है, कर्जा देखोगे 1 भी रुपये का नहीं है, अच्छा बात है, रिजर्व रखा है, एसेट रखा है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, फ्री कैश रखा है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव, नेटवर्क पॉजिटिव, डिविडेंड देता है, डेट टू इक्विटी 0.0 है। उसके अलावा आप देखोगे जिस फील्ड में काम करता है 7 नंबर पर आता है, सेल ग्रोथ नेगेटिव, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव, सीजर पॉजिटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव, एसेट एसेट में दोस्तों हम लोग को ग्रोथ नजर आ रहा है। तो ये सारा पैरामीटर देखने के बाद मिनिमम अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है, आपको अच्छा डिविडेंड मिलेगा और 250 तक शेयर जा पाएगा। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।